हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिया एंड प्रियस फूड लैब में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुजरात की एक फेमस रेसिपी लौकी के थेपले। इसे बनाना बिल्कुल सिंपल है और घर में मिलते इंग्रेडिएंट से ही बन जाता है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। लौकी के थेपले बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटा लगाना होगा, तो इसके लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 कप होल व्हीट फ्लोर यानी गेहूँ का आटा। अब इसमें डालेंगे 1 कप ग्रेट की हुई लौकी, साथ ही डालेंगे 1/2 टीस्पून अदरक, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। अगर आप गार्लिक नहीं खाते तो इसे स्किप भी कर सकते हो। तीखेपन के लिए डालेंगे 1 टीस्पून हरी मिर्च की पेस्ट। आप चाहो तो हरी मिर्च को बारीक कट करके भी यूज कर सकते हो। साथ ही डालेंगे 1 टीस्पून सफेद तिल, 1/2 टीस्पून अजवाइन, अजवाइन को हाथों से ऐसे क्रश करते हुए डालेंगे, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और थोड़े से बारीक कट किए हुए धनिया। बस अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए साइड में छोड़ देंगे। ये प्रोसेस करने से लौकी अपना सारा पानी छोड़ देगी और हमें आटा लगाने में इजी हो जाएगा। मैं इसमें ऑयल डालना भूल गई थी, तो मैं अब ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून ऑयल। आप जब सारे स्पाइसेस ऐड कर रहे होते हो ना, तभी साथ में ऑयल भी ऐड कर दो। अब मैं ऑयल को भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसे साइड में रखे 15 मिनट हो गई है, अब इसका आटा लगाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम आटा लगाने के लिए पानी का बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। लौकी में अपना ही पानी होता है तो उसी से आटा लग जाएगा। इनकेस आपका आटा ड्राई लगे तो आप दही ऐड कर सकते हो, और ज्यादा गीला हो जाए तो थोड़ा सा आटा और मिक्स कर सकते हो। और इस आटे को हमें ऐसे रोटी के आटे की तरह बहुत ज्यादा गूंथना नहीं है। तो ये देखिए, यहाँ पे आटा लग गया है। अब मैं हाथों में बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लूंगी और इस पे इस तरीके से लगा दूंगी। अब इसे बेलने के लिए यहाँ पे मैंने एक गोला बना लिया है। इसे हम सूखे आटे में डिप करेंगे और इसे राउंड शेप में बेल देंगे, और इसे सेकने के लिए हम इसे गर्म तवे पे डाल देंगे। यहाँ पे हमें गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है और 30 सेकंड्स में ही हम इसे फ्लिप कर देंगे। अब थेपले के ऊपर ऑयल लगा देंगे। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी, जैसे ही थेपला तवे पे डालो वैसे ही 30 सेकंड में उसे फ्लिप कर दो। ऐसा करने से थेपले काफी सॉफ्ट बनते हैं। अगर पहली बार आपने डाल दिया और उसे काफी कुक कर दिया ना, उसमें स्पॉट आ गए जैसे गोल्डन वाले, तो थेपले देखना हार्ड हो जाते हैं। अब दोनों साइड से ऐसे गोल्डन स्पॉट्स आने तक इसे सेक लेंगे। यहाँ पे आपको एक और बात बताती हूँ, थेपले को ऐसे बार बार फ्लिप नहीं करते रहना है, टोटल 3 बार ही उसे पलटना है, जिससे थेपले काफी सॉफ्ट बनेंगे और आपका काम भी काफी इजी हो जाएगा। तो बस यहाँ पे इसमें दोनों साइड से ऐसे गोल्डन स्पॉट्स आ गए तो हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से बाकी के थेपले भी रेडी कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे आपको एक थेपला मैं ऐसे फोल्ड करके दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट बना है, और एक को तोड़ के भी बताऊंगी। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट। आप इसे रायते के साथ एंजॉय कर सकते हो, चाय के साथ भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये कैसा लगा। और हाँ, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही नई नई रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं जल्द ही एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।